नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नए वीडियो में। मित्रों, आज है गुरुवार और बज चुके हैं शाम के 5, यानी समय है स्पेशल वीडियो का। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिकेट में बैट्समैन को आउट करने के सभी तरीकों के बारे में। या दोस्तों, जिसमें से कुछ तो आप जानते ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिसके बारे में शायद आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे। तो फिक्र मत करें दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बस आप तुरंत ही कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और देखते रहिए इस वीडियो को पूरे अंत तक। दोस्तों, क्रिकेट मैच में आमतौर पर बॉलर ही बैट्समैन को आउट करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी रूल्स है जिसके चलते बगैर गेंद डाले ही बैट्समैन को आउट किया जा सकता है, या फिर बैट्समैन बैटिंग करने आया भी ना हो तो भी वो आउट हो सकता है। या दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल मैच में बैट्समैन को आउट करने के कुल 11 तरीके होते है। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी के बारे में बात करते है। सबसे पहला और सिंपल तरीका है दोस्तों, बोल्ड आउट करना। और इस बारे में तो तकरीबन आप सभी लोग जानते ही होंगे। जब गेंदबाज गेंद डालता है और वो गेंद स्टंप से जा टकराती है तो उसे बोल्ड आउट कहा जाता है। फिर चाहे वो बॉल बैट, पैड या बॉडी के कोई भी पार्ट से क्यों ना टकराई हो, अगर बॉल स्टंप पे लगती है तो बल्लेबाजी कर रहे बैट्समैन को आउट गिना जाता है, बशर्ते वो गेंद नो बॉल या फ्रीड बॉल ना हो। दोस्तों, सभी 11 तरीकों में से ये सबसे क्लीन तरीका है, क्योंकि बोल्ड आउट होने पर बैट्समैन, अंपायर, फील्डर और दर्शक किसी के मन में कोई भी संदेह या दो राय नहीं होती। दूसरा तरीका है दोस्तों, कैच आउट। ये तरीका भी कॉमन है और सब लोग इसके बारे में भी जानते ही होंगे। दोस्तों, इसमें बॉलर द्वारा डाली गई गेंद बैट या ग्लोव से टकराने के बाद उस गेंद को फील्डिंग कर रही टीम के 11 में से कोई भी प्लेयर बिना जमीन पर टकराए पकड़ लेता है, यानी कि कैच कर लेता है, तो बैट्समैन को कैच आउट करार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कैच आउट अगर नो बॉल या फ्री हिट वाली गेंद पर हुआ हो तो बैट्समैन नॉट आउट गिना जाता है। अब बात करते हैं आउट होने के तीसरे तरीके LBW यानी लेग बिफोर विकेट के बारे में। तो इसमें दोस्तों होता ये है कि गेंदबाज द्वारा डाली गई गेंद जो जाके सीधे स्टंप पर लग रही हो, लेकिन बैट्समैन के बैट या ग्लोव्स के अलावा किसी भी भाग पर गेंद पहले टकराती है तो उसे LBW आउट करार दिया जाता है। हालांकि दोस्तों, इसके भी कई रूल्स है, जैसे कि गेंद लेग स्टंप के बाहर टिप्पा ना खाई हो वगैरह, और इस पर पूरा वीडियो बनाकर हम आगे कभी बात करेंगे। और दोस्तों, नो बॉल या फ्री हिट वाली गेंद पर बैट्समैन को LBW आउट नहीं माना जाता। आगे बात करते हैं स्टंपिंग की। तो इसमें होता ये है कि गेंदबाज द्वारा डाली गई गेंद जब विकेट कीपर के पास पहुंचती है और विकेट कीपर गिली या बिखेर देता है, और उस वक्त बल्लेबाज बैट समेत अगर क्रीज से बाहर हो तो उसे स्टंपिंग आउट करार दिया जाता है। और इसमें दोस्तों, बैट्समैन को नो बॉल या फ्री हिट में तो नहीं, लेकिन वाइड बॉल में जरूर आउट माना जाता है। अब बात करते हैं आउट होने के पांचवे तरीके रनआउट के बारे में। तो इसमें दोस्तों, जब बैट्समैन रन लेने के लिए दौड़ता है और उस दौरान विपक्षी टीम का कोई भी प्लेयर बॉल से बैट्समैन के क्रीज में पहुंचने से पहले ही गिली या बिखेर देता है तो उसे रनआउट माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, रनआउट की खासियत ये है कि नो बॉल, फ्री हिट बॉल और वाइड बॉल में भी बैट्समैन को रनआउट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये पांच तरीके तो नॉर्मली हम तकरीबन सभी मैचों में एक बार तो देखते ही है, लेकिन आगे हम जिस तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं वो आमतौर पर हमें मैच में देखने को नहीं मिलते। तो चलिए अब बात करते हैं बैट्समैन को आउट करने के छठे तरीके हिट विकेट के बारे में। तो दोस्तों, इसमें होता ये है कि जब गेंदबाज गेंद डालता है उसे खेलते समय बैट्समैन का बैट या बॉडी का कोई भी हिस्सा या पहने हुए कोई भी इक्विपमेंट स्टंप पे जा लगे तो उसे हिट विकेट आउट करार दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नो बॉल और फ्री हिट बॉल पर बैट्समैन को हिट विकेट आउट नहीं माना जाता, लेकिन वही वाइड बॉल पर बैट्समैन को हिट विकेट करार दिया जा सकता है। आगे बात करते हैं बैट्समैन को आउट करने के सातवें तरीके ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड यानी फील्ड को बाधित करने के बारे में। तो इसमें दोस्तों, अगर बैट्समैन फील्डर द्वारा थ्रो की गई गेंद को रोकता है
या थ्रो की गई गेंद की लाइन में दौड़ता है तो उसे ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के तहत आउट माना जाता है। या दोस्तों फिर चाहे वो गेंद नो बॉल, फ्रीड बॉल या वाइड बॉल ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं आउट करने के एक और तरीके मांकडिंग के बारे में। हालांकि दोस्तों ये रन आउट का ही एक तरीका है, लेकिन इसमें होता ये है कि जब गेंदबाज गेंद डाल रहा होता है और उस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़ा बैट्समैन गेंद डालने से पहले ही अपनी क्रीज छोड़ देता है और उसी वक्त गेंदबाज अपने छोर पे खड़े स्टंप की गिलियां बिखेर देता है तो उसे मांकडिंग आउट करार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये तरीका बहुत ही विवादित है और इस पर हमने एक पूरा डिटेल वीडियो पहले ही बनाया है जिसमें मांकडिंग से जुड़ी तकरीबन सभी इन्फॉर्मेशन और इसके पीछे के इतिहास को भी बताया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो जाके उसे भी देख लीजिएगा। आगे बात नौवे तरीके हैंडल द बॉल के बारे में करें तो दोस्तों बैट्समैन सामने वाली टीम की अनुमति के बिना गेंद को पकड़ता है या फिर बैट्समैन की बॉडी या बैट से टकरा के गेंद जब स्टंप की ओर जा रही होती है तो उसे हाथ से हटाता या पकड़ता है तो उसे हैंडल द बॉल आउट करार दिया जाता है। यह दोस्तों हैंडल द बॉल आउट नो बॉल, फ्रीड बॉल और वाइड बॉल में भी हो सकता है। अब बात करते हैं दसवें तरीके हिट द बॉल ट्वाइस के बारे में। तो दोस्तों जब भी बैट्समैन गेंद को जानबूझ के दो बार मारता है तो उसे हैंडल द बॉल ट्वाइस आउट दिया जाता है। या दोस्तों लेकिन अगर एक्सीडेंटली बॉल बैट पर दो बार लगी हो या फिर बैट से लगकर गेंद जब स्टंप की ओर जा रही हो और बैट्समैन उसे बैट से रोके तो उसे इस प्रकार हैंडल द बॉल ट्वाइस आउट नहीं माना जाता और नो बॉल और फ्रीड बॉल में भी बैट्समैन को हिट द बॉल ट्वाइस आउट माना जाता है। और अब अंत में बात करते हैं 11वें तरीके टाइम आउट के बारे में। तो दोस्तों इसमें होता ये है कि बैट्समैन को आउट घोषित करने के बाद अगले क्रम पर आने वाला बैट्समैन टेस्ट और वनडे मैच में 3 मिनट के अंदर ग्राउंड में नहीं पहुंचता तो उसे टाइम आउट करार दिया जाता है। वही T20 मैच में ये टाइम 2 मिनट का ही होता है। तो बस दोस्तों यही था इस बार के खास वीडियो में और मिलते हैं एक और स्पेशल वीडियो के साथ अगले गुरुवार शाम 5 बजे। लेकिन दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी क्रिकेट जगत से जुड़ी खबरें और वो भी हिंदी में। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।